हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा जो नदी है वह अरब सागर में गिरती है। देखिए, तुंगभद्रा दक्षिण भारत में बहने वाली एक नदी है। कहाँ बहती है? दक्षिण भारत में। और यह कहाँ कहाँ बहती है? देखो, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है? तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा ही भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। देखिए, उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। यह भारत का आधे से अधिक बॉक्साइट उत्पादक है। याद रखना, उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा बॉक्साइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमाएं साझा नहीं करता? तो म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता ऐसा कौन सा राज्य है? असम है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये तीनों राज्य जो है ऑप्शन के अनुसार वो म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। बाकी असम म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखिए, भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएँ हैं। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्री सीमाएँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्षमता के आधार पर भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो कि महाराष्ट्र में है। देखिए, इसके बारे में 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। इसको भी याद रखना, ये 1400 मेगावाट की क्षमता के साथ तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? कोची बंदरगाह को। ठीक है, देखिए, कोची बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। इसको याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक हिस्सा कौन सा है? तो यह है दक्कन पठार। इसका उत्तर होगा दक्कन पठार। देखिए, दक्कन पठार में दक्षिणी भारत का अधिकतर हिस्सा आता है। इसमें भारत के 8 प्रमुख राज्य आते हैं। यह पठार पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच में स्थित है। सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला इसे गंगा के मैदान से अलग करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तिब्बत में किस नदी को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को यारलुंग संगपो के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का उदय तिब्बत में अंग्सी ग्लेशियर से होता है। किससे होता है? अंग्सी ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में यारलुंग संगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है। इसको याद रखना, जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश में बहती है और इसकी कुल लंबाई लगभग कितना है? 2900 किलोमीटर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोस्ट गार्ड स्टेशन स्थापित किए गए हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में। देखिए, भारतीय तटरक्षक की स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी। इस बल का कार्य समुद्री सीमाओं की निगरानी व समुद्री नियमों की रक्षा करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223 को। देखिए, नेशनल हाईवे 223 अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह राष्ट्रीय उच्च मार्ग माया बंदर से शुरू होकर पोर्ट ऑफ ब्लेयर से होते हुए चिरिया टापू तक जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक जूट मिले किस राज्य में स्थित है? वह है पश्चिम बंगाल में। देखिए, दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे गोवा की फेनी राजधानी कहा जाता है? तो किसे गोवा की फेनी राजधानी कहा जाता है? वह है सत्री। देखिए, सत्री उत्तरी गोवा में स्थित है। यह मंडोवी नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? मंडोवी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति प्रकार मानसूनी है? तो इसका उत्तर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसून वन भी कहा जाता है। इसको याद रखना, मानसून वन भी कहा जाता है। किसे? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को। और देखिए, इन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इसको भी आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस
तेल उत्पादक देश से भारत अपनी आवश्यकता का 20 से 25% हिस्सा प्राप्त करता है, तो यह है नाइजीरिया से। देखिए, नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। नाइजीरिया जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है और विश्व का 6वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। यह प्रति वर्ष 2.5 मिलियन बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन उत्पादित करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो स्टील उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये तीसरा स्थान है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की 2017 की रिपोर्ट के अनुसार चीन और जापान के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश है। 2017 में भारत का स्टील उत्पादन 101 मिलियन मीट्रिक टन था। ठीक है, अगला प्रश्न। दक्षिण भारत में स्थित बाबा बुदन पहाड़िया किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो दक्षिण भारत में स्थित जो बाबा बुदन की पहाड़िया है किस अयस्क के लिए प्रसिद्ध है? तो वह लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, बाबा बुदन पहाड़िया कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से गलत जोड़े को इंगित करना है, गलत जोड़े को बताना है। देखिए, मयूर काशी यह पश्चिम बंगाल में है, ये तो सही है। मौदा का बांध जो है उत्तर प्रदेश में है, ये भी सही है। मुकेरिया जल विद्युत परियोजना ये भी पंजाब में है, ये भी सही है। परंतु कल्लाडा सिंचाई योजना तमिलनाडु में नहीं है, ये कहाँ है? यह केरल में है। तो यही आंसर होगा, इसमें गलत जोड़े को पहचानना था। तो कल्लाडा सिंचाई योजना जो है वह केरल में स्थित है, न कि तमिलनाडु में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा चुनना है, तो गलत जोड़ा चुनना है तो इसमें देखो सुखना झील चंडीगढ़ में है, ये भी सही है। वंडूर बीच अंडमान व निकोबार में है, ये भी सही है। बंगाराम बीच लक्षद्वीप में है, ये भी सही है। परंतु देवका बीच जो है वह दमन में स्थित है, न कि गोवा में स्थित है। तो देवका बीच कहाँ स्थित है? दमन में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? तो कैलिको कपड़ा संग्रहालय किस स्थान पर स्थित है? वह है अहमदाबाद। ठीक है, देखो, कैलिको कपड़ा संग्रहालय गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। यह सारा भाई फाउंडेशन की संपत्ति है, इसको याद रखना, सारा भाई फाउंडेशन की संपत्ति है। इस संग्रहालय की स्थापना 1949 में उद्योगपति गौतम सारा भाई और उसकी बहन गीरा सारा भाई ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न। चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? तो इसे बगानी फसलें कहते हैं। ठीक है, बगानी फसलें के समूह में रखा जाता है। देखो, चाय, कॉफी, मसाले, नारियल, रबड़, इलायची और मिर्च बगानी तथा रोपाई की जाने वाली क्या है? फसलें हैं। अगला देखिए। भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? इसमें सर्वाधिक बोला है ना, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो याद रखना, केरल में। तो सर्वाधिक रबड़ बोला है तो केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है, ये याद रखना। वैसे थाईलैंड और इंडोनेशिया के बाद भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है, न कि राज्य। ये देश रहेगा, भारत एक देश है। ठीक है, तो भारत जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक देश है। पहला में थाईलैंड है और दूसरा में इंडोनेशिया। और देखिए, भारत में विश्व के कुल रबड़ उत्पादन का 9% हिस्सा उत्पादित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो बसवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। बसवा सागर बांध कर्नाटक के बीजापुर जिले में सिद्धपुर नामक स्थान पर स्थित है। इस जलाशय की भंडारण क्षमता 37.965 मिलियन क्यूबिक फीट है। ठीक, अगला प्रश्न। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में पांटवा घाटी में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 27.88 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखिए। भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया है? तो कब किया गया? 1948 में। देखिए, दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट था। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 7 जुलाई 1948 को की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो साल्ट पैन है। देखिए, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है, तीसरा है, याद रखना। भारत में प्रति वर्ष 148 लाख टन नमक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। पश्चिम बंगाल में स्थित
कुछ बिहार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये शीशा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कुछ बिहार जिला पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुछ बिहार कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखना इसको भी। इसका कुल क्षेत्रफल 3,387 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? वह झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। देखिए, भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, इसे मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन, शीशम, महुआ, साल, टेक व बांस के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है। देखिए, अलमट्टी बांध परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित है। यह परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी, इसको याद रखना, 2005 में बनकर तैयार हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? तो किस बायोम में पेड़ नहीं है? टुंड्रा। देखिए, टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है। इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये उज्जैन शहर, ठीक है। देखिए, शिप्रा नदी का उदय विंध्य पर्वत श्रृंखला में काकरी बर्दी पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी चंबल में समाहित होती है। उज्जैन में इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।